हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू फिश ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ हमारे न्यू फिश के बारे में, एंड साथ ही में हमारी कुछ फिश कर रही है यहाँ पे ब्रीड, तो उनका भी आपको आगे चल के अपडेट देने वाला हूँ। एंड एक काफी ज्यादा बड़ी वाली सैड न्यूज भी आ चुकी है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बट उससे पहले आप जो भी हमारे चैनल पे न्यू हो, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे ही मजा टॉपिक्स में वीडियो लाते रहता हूँ। तो हम मॉन्स्टर टैंक से ही स्टार्ट करते हैं भाई आपको अपडेट देना। तो इस तरफ आप देख सकते हो तो हमारी रेड टेल सिल्वर अरवाना फिश, एंड उसी के साथ हमारा न्यू एल्बाइनो पाकू फिश, जो कि हम अपने मॉन्स्टर पाकू के लिए लेकर आए थे पेयर कंप्लीट करने के लिए। तो इसका भी पेयर कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है बेबी पाकू फिश। एंड इसी के साथ हमारे पैरेट्स अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो इनको हाइडिंग के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, जिस वजह से ये एक ही हाइडिंग प्लेस के पीछे सारे के सारे लड़ रहे हैं। आप देख सकते हो इन्होंने पूरे के पूरे हाइडिंग प्लेस को घुमा दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली सभी के सभी हाइडिंग प्लेस के अंदर हमारे एक ने एक पैरेट फिश छुपा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी है, तो इसका तो पूरा कंट्रोल है भाई यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इन दोनों रेड पैरेट्स की हो रही है एक ही हाइडिंग प्लेस के पीछे फाइट, एंड बाकी हमारा जो ये बड़ा वाला पैरेट आपको दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा डरता है, तो जिस वजह से ये फाइट कम करता है सभी से। एंड बाकी आप देख सकते हो तो हमारे दूसरे सारे फिश काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। हमारी अरवाना भी हील हो चुकी है, जो इसकी टेल कट चुकी थी, एंड इस तरफ हमारा आ चुका है टाइगर रोज का फिश। तो मैं इसको यहीं पे रहने देने वाला हूँ, इसको हम सिकलेट टैंक में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, एंड बार बार इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में इसको दिक्कत आ सकती है, जिस वजह से ये रहने वाला है हमारे मॉन्स्टर टैंक के अंदर परमानेंट, जब तक ये जिंदा रहता है यहाँ पे। एंड बाकी आप देख सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा मॉन्स्टर फिश टैंक। एंड अब चलते हैं भाई हमारे सेकेंड फिश टैंक की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं जो कि आपको अभी देना बाकी है। तो सेकंड आ चुका है हमारा फ्लावर होन फिश टैंक, एंड हमारा फ्लावर होन थोड़ा सा एक्चुअली वीक हो चुका है आप देख सकते हो, तो इसको थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी थी, हमने बोटे चेंज कर दिए थोड़ा सा, एंड यहाँ पे मेडिसिन भी हमने यहाँ पे यूज़ कर दी है। तो जो मेडिसिन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वो आप देख सकते हो, आप अगर फ्लावर होन रखते हो तो ये मेडिसिन तो आप सभी को पता होगा किस यूज़ में आती है, अगर नहीं पता है आपको तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड इस वजह से हमारी फ्लावर होन थोड़ी सी डाउन चल रही है, आप देख सकते हो इसका हेड साइज भी थोड़ा सा श्रिंक हो चुका है। तो चलिए इसका अपडेट आपको देते हैं बाद में, एंड अभी आपको दिखाते हैं हमारा न्यू फिश। तो इस तरफ आ चुका है हमारा न्यू फिश, जो कि है हमारा बेटा फिश, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये एक्चुअली गिफ्ट मिला है हमें किसी से, आप समझ सकते हो ऐसे ही, तो उन्होंने एक्चुअली रखने के लिए दिया क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं था। तो मैं काफ़ी जल्दी इसको भाई DIY फिश पॉन्ड में सेटअप इसका करने वाला हूँ, तो DIY फिश पॉन्ड सेटअप मैं काफ़ी जल्दी लेकर आने वाला हूँ वीडियो, एंड वहाँ पर आपको पता ही है हम कौन से फिश जो है ऐड करने वाले हैं, तो उन्हीं के साथ हमारा बेटा फिश भी रहने वाला है। एंड अब आपको लेकर चलते हैं हमारे सिकलेट फिश टैंक की तरफ। तो इस तरफ आ चुका है हमारा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा सिकलेट फिश टैंक, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ओस्कर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं आप देख सकते हो। तो पहले काफ़ी ज़्यादा डरते थे मेरे हाथों से, बट अब आप देख सकते हो तो बिल्कुल ये मेरे टेम हो चुके हैं, क्योंकि मैं इनको फीडिंग करवाता हूँ हर टाइम, जब भी मैं इनको आता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनके साथ खेलता भी हूँ, ताकि ये हमारे साथ काफ़ी फ्रेंडली हो जाएँ, जैसे कि आप देख ही सकते हो अब ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं। एंड उसी के साथ आप देख सकते हो हमारी कैट फिश की हालत, तो इसने किया हुआ एक्चुअली फीड, मैं इन सभी को फीड करवा चुका हूँ, तो जिस वजह से इनका बेली साइज़ काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए भाई हमारे सारे के सारे फिशेस का बेली साइज़ जो है बिल्कुल बड़ा हो चुका है, तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है वैसे भी। तो चलिए थोड़े से आपके सामने उनको पैलेट्स खिलाता हूँ, ताकि आप भी देख सको कि कितने ज़्यादा एक्टिव है हमारे फिश। तो यहाँ पर थोड़े से इनको डालते हैं अभी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इनकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, जस्ट अभी इन्होंने अपना फीड फिनिश किया था, एंड उसी के बाद आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छे से ये फीड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है हमारे ओस्कर फिश। एंड ये है हमारे लेमन ओस्कर, मैं आपको बता दूँ, एंड उसी के साथ हमारी सेवरम सिकलेट, जो कि आप देख सकते हो अभी तक यहीं पर ही है, एंड इन्हीं के साथ हम काफ़ी जल्दी न्यू सिकलेट फिश ऐड करने वाले हैं। तो अभी तक तो यहाँ पे इतने अच्छे फिश नहीं मिलते हैं, तो दोबारा बाहर का प्लान बनता है, देन हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से न्यू फिश ऐड करेंगे। एंड उसी के साथ आप देख सकते हो तो इसका स्टमक आप देख सकते हो भाई किस तरह से फूल चुका है, काफ़ी ज़्यादा फीड करता है ये, एंड देन उस तरह ये रेस्ट करता है कुछ टाइम तक के लिए, एंड उसके बाद दोबारा से ये एक्टिव हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये ग्रोथ करता है कैट फिश, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो अब आपको लेके चलते हैं हमारे सेकंड टैंक की तरफ, जहाँ पे हो रही है ब्रीडिंग। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको सैड न्यूज़ ये बता दूँ, हमारा एलिगेटर की हो चुकी है डेथ, एंड उसी के बाद हमने यहाँ पे इनको ऐड कर दिया, एंड ऐड करने के बाद आप देख सकते हो तो उन्होंने यहाँ पे बबल नेस्ट जो है काफ़ी अच्छे से बना दिया है एक ही रात के अंदर, मैं इनको रात के टाइम यहाँ पर शिफ्ट किया था, क्योंकि इसका बेली साइज़ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, एंड मेल फिश जो था एक्चुअली पॉन्ड के अंदर ही बबल नेस्ट बनाना शुरू कर दिया था इसने, जिस वजह से मैंने रात के टाइम यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। एंड अभी आप देख सकते हो उन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बबल नेस्ट क्रिएट कर दिया है, तो छोड़ते हैं इनको यहाँ पे, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं।
एंड उसी के साथ आपको देते हैं हमारे कोई फिश पॉन्ड का अपडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी हमने किया है आज काफी अच्छे से क्लीन एंड जिसके बाद आप देख सकते हो तो हमारा कोई पॉन्ड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है एंड उसी के साथ हमारे फिश आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है हमारी गोल्डन फिश जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड उसी के साथ हमारा छोटा सा रेंचो गोल्ड फिश, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ हैं एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारी ब्लैक गोल्ड फिश, बट कोई फिश की तरह लगती है, ब्लैक कोई फिश की तरह। तो ब्लैक कोई भी मैं यहाँ पे ऐड करने का ट्राई करूँगा बट ब्लैक कोई तो अभी तक हमें यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिले एंड उसी के साथ आप देख सकते हो तो हमारा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा कोई फिश पॉन्ड। एंड इसी के साथ आपको हम अपने टर्टल्स का भी अपडेट दे देते हैं। तो इस तरफ आ चुके हैं हमारे रेड एयर स्लाइडर्स एंड अभी मैंने इनको जस्ट बाहर रखा हुआ था सनलाइट में बास्किंग के लिए एंड उसके बाद आप देख सकते हो तो किस तरह से ये रेस्ट कर रहे हैं हमारे दोनों के दोनों टर्टल्स। दोनों फीमेल्स हैं हमारी, तो मेल इनके लिए काफ़ी जल्दी लगेंगे। जब इनका सेटअप हमारे पास अच्छा सा बन जाएगा देन हम यहाँ पे मेल लाएंगे ताकि ये ब्रीड वगैरह फिट कर सके, क्योंकि अभी तो हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। एंड इस तरफ आप देख सकते हो तो इसकी आइज की स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, कुछ दिनों के अंदर अंदर ये बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी एंड देन मैं आपको इनका काफ़ी अच्छे से अपडेट दे दूंगा। तो चलिए इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये रेस्ट कर रहे हैं सनलाइट में बास्किंग के बाद। तो छोड़ते हैं इनको यहाँ पे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड वीडियो कैसी लगी आपने हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना है एंड नेक्स्ट फिश के बारे में भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट फिश सिकलेट फिश टैंक के अंदर आपकी मर्जी से ऐड कर सके। तो मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।